माँ लव्स बेबी में आप सबको स्वागत है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज मैं आपको एक ड्रिंक के बारे में लेके आई हूँ, बेबी का हेल्दी मैंने ड्रिंक, जो कि बेबी आप देख सकते हैं ऑरेंज है, मैंने ऑरेंज के बारे में मैं आपको बोलने वाली हूँ। एंड उससे पहले फटाफट मेरी चैनल को लाइक कर दीजिए, एंड न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट करके प्लीज बताइए, सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मेरी वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक प्लीज देखिए, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आपको उसका बारे में बताती हूँ, ऑरेंज के बारे में। ऑरेंज के बारे में आपको पता है कि ऑरेंज बच्चे लोग के लिए कितना अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन सी है, सब कुछ भरपूर है, और उसका आइस के लिए भी बहुत अच्छा होता है ऑरेंज, एंड बच्चे लोग के लिए तो सबसे अच्छा है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा मेरी बेटी को एक ऑरेंज जूस बना के देती हूँ, और प्योर ऑरेंज है, कुछ मिलावट नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलाते, ओनली ऑरेंज देते हैं। और ऑरेंज बहुत अच्छा भी लगता है पीने के लिए, वो अच्छा खासा एंजॉय करती है, पीती है भी, नहीं कि इग्नोर करती है, एंड उसका एंजॉय भी ऑरेंज का एंजॉय करती है। तो मैं उसका जूस बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। उससे पहले आपको कुछ भी मन में डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छा अच्छा टिप्स बता सकती हूँ। एंड आपको ये रेसिपी ना, आप छोटा बच्चा है तो आप ऑरेंज नहीं दे पा रहे कि नहीं, डर के कि बीच उनका अंदर चला जाएगा कि कुछ होगा, तो आप एक जूस बना के दे सकते हैं। एंड ऑरेंज आपको पता है, ऑरेंज सीजन में यदि आप ऑरेंज भी खिलाएंगे तो भी बहुत भी अच्छा है। एंड वो लोग वाटर सोच के पी लेते हैं, मीठा मीठा स्वीट स्वीट लगता है, पी लेते हैं, तो इसीलिए वो लोग भी एंजॉय करते हैं। वो लोग हेल्दी रहेंगे तो माँ बाबा भी हैप्पी रहेंगे, उनका कुछ होता है तो मम्मी पापा को सबसे ज्यादा टेंशन होता है कि मेरा बच्चों क्या हेल्दी खाना खिलाओ, हमेशा सोचते रहते हैं। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि आपको कुछ कुछ मेरी बेटी के साथ जो जो करती हूँ तो मैं आपको शेयर करूँ। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो, हर कुछ वीडियो आपको पसंद आएगी। एंड चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है ऑरेंज जूस। दोस्त देखिए, मेरा दो ऑरेंज ले रही हूँ जूस बनाने के लिए। तो दो ऑरेंज को पहले क्या करूँगी, तो डिवाइड कर दूँगी, डिवाइड करके हाथ का मदद से उसका जूस निकाल रही हूँ, तो इजी तरह जूस निकल के रेडी हो जाता है। एंड दोस्त आप सोच रहे होंगे ये छिलका के साथ क्यों नहीं कर रहा है, और इजी तरह होगा, हाथ भी गंदा नहीं होगा। बट दोस्त छिलका के साथ करेंगे तो तीतो हो जाता है जूस का, एकदम तीतो तीतो लगता है, और बच्चा पीती नहीं है, भांडा में करती है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे छिलका के साथ करना और इसी टाइप का करना, तो इसी टाइप का करने से आपको तीतो नहीं लगेगा, बट छिलका के साथ करेंगे तो आपको तीतो लगेगा डेफिनेटली। एंड आप मशीन का भी मदद लेके जूस भी निकाल सकते हैं। और आप जब जूस बना रहे हैं हाथ को अच्छी तरह क्लीन कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चा को कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। एंड इसी टाइप का करके मैं दोनों ऑरेंज का जूस निकाल के रेडी कर दिए। एंड देखिए, छानी का मदद लेके उसका बीज को अलग करके मेरा ऑरेंज जूस रेडी हो गया है। इसमें ना शुगर मिला हुआ है, ना सॉल्ट मिला है, कुछ भी नहीं, ये प्योर ऑरेंज जूस। एंड स्वीट भी लगता है दोस्त, आप एक बार ट्रायल करके देखिए, आपको पता चलेगा कि नहीं स्वीट है कि तीतो है। मेरी बेटी के लिए मैं ड्रिंक बना के ऑलरेडी लेके आई हूँ, एंड मैं अभी 11 से 12:30 के अंदर ये ड्रिंक देती हूँ, और कभी कभी स्ट्रॉबेरी देती हूँ, हर कुछ चेंज करके फ्रूट्स देती हूँ इस टाइम में 11 से 12 के अंदर, तो वो भी एंजॉय भी करती है कि नहीं पीती है। तो आपके सामने मैं उसको पिला रही हूँ, देखिए पहले तो नखरा करेगी, बट हाँ एंजॉय करेगी। ओ बाबा, नखरा में एकदम नहीं किए, पिए ओ गुड गर्ल माय प्रिंसेस, तो गुड गर्ल नहीं, और पी लीजिए पी लीजिए पी लीजिए, गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। तो इसी टाइम में हमेशा वो पीती है, कोशिश करती है पीने के लिए, तो मैं हमेशा इसी टाइम में कुछ कुछ फ्रूट्स खिलाती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको हेल्पफुल करेगी ये वीडियो। एंड मैं तो कहूँ कि ऑरेंज सीजन में बच्चे लोग को ऑरेंज खिलाइए, उसका मज़ा दीजिए, मैंने फील करवाइए कि ऑरेंज खाना है आपको, हर कोर्स फ्रूट्स खाना है, और बाहर का तो फ्रूट्स का जूस मत दीजिए,
वो तो क्या मिला है पता नहीं चलता है, हम लोग तो देखते नहीं है, बट ये चीज तो हम लोग देखते खुद बनाते हैं, तो ये चीज तो घर में बना के ट्राई कर सकते हैं और खुद को भी, सॉरी डोंट माइंड, खुद को भी शांति मिलता है कि नहीं मेरी बच्चा प्योर चीज पीती है, ना शुगर मिला होता है, ना नमक, ना कुछ भी, और स्वीट भी लगता है, ऑरेंज जूस नहीं कि खट्टा है, तो इसी में करके मैं हमेशा मेरी बेटी को चेंज कर करके देती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी एंड मेरी चैनल को लाइक कर दीजिए, और एक बार प्लीज न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मेरी पगली एंड में दोनों हैप्पी हो जाएंगे आप जो भी सब्सक्राइब करेंगे एंड पूरा एंड तक वीडियो देखेंगे तो। एंड कुछ आप बोलना है मेरी पगली, ये मेरी दुष्ट है पगली, सबसे नटखट पगली है, पर जो भी है वो मेरी है, मन होता है हमेशा कुछ कुछ करके खाऊं, परेशान करती रहती है मुझे, हर घर को उठ पक करके फेंकती रहती है, तो बट अच्छा लगता है देखने के लिए। तो चले मैं अभी रखती हूँ और एक न्यू वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगी। देखिए मैं क्या आपको टाटा बोलूँ, उसका एंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं। अब रखेंगे ना, चलो सबको टाटा बोल दो, टाटा बोल दो, सबको टाटा बोल दो, टाटा टाटा बोल दो, टाटा 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 टाटा। ये चीज में देखे हमेशा सुकून मिलता है दोस्तों। अभी रखती हूँ, टाटा बाय।